इज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि प्लीज़ हमें कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे हम अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर पाएँ तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कुछ भी पहन लें जितने भी महंगे कपड़े पहन लें फिर भी आप उनमें अच्छे नहीं लगते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है तो आज मैं फाइव बेस्ट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं पर्सनली ख़ुद फॉलो करती हूँ और अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो आप अपनी डेफिनेटली ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर पाएंगी और बहुत अच्छी भी दिखेंगी सारे कपड़ों में तो मैं सिर्फ इंडियन ड्रेसेस की बात करूँगी क्योंकि मुझे इंडियन ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा मैक्सिमम वॉड्रोब इंडियन ड्रेसेस से ही भरा है तो वीडियो का कंप्लीट बेनिफिट उठाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिना कोई टाइम वेस्ट के हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं जिससे आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर पाएँ तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था जो कि था पत्ती दुबली और शॉर्ट गर्ल्स के लिए कि वो कैसे कपड़े पहने तो अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है और आप बहुत ज़्यादा दुबली पत्नी है आप पे कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से इसको चेक कर लेना तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं टिप नंबर फाइव है स्टेटमेंट पीसेस यस स्टेटमेंट पीसेस का मतलब होता है कि वो चीज़ जो आपके ड्रेसिंग सेंस में सबसे ज्यादा हाईलाइट हो यानी आपका दुपट्टा हो गया या फिर जूतियाँ हो गई कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कॉलेज वगैरह में कुछ लड़कियाँ ऐसी होती जो हमेशा बहुत अच्छे दुपट्टे सुंदर से दुपट्टे कैरी करती हैं स्पेशली पंजाबी गर्ल्स और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती जो जूतियाँ हमेशा हाईलाइट पहनती हैं तो आप हमें आप इन दोनों चीज़ों को एज अ स्टेटमेंट पीस यूज कर सकती हैं और अगर आप किसी फॉर्मल जगह पर जा रही हैं तो आप अपनी वॉच को भी एज अ स्टेटमेंट पीस यूज़ कर सकती हैं आपकी वॉच आप एक अच्छी सी ब्रांडेड वॉच ले सकती हैं जो कि बहुत अच्छा लुक क्रिएट तो मैं है। आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लेन सूट के साथ हीवी दुपट्टा एज अ स्टेटमेंट पीस यूज़ कर सकती हैं ये बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक क्रिएट करता है और आपके प्लेन सूट को बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है तो आप फुलकारी दुपट्टा यूज़ कर सकती हैं या है। फिर आप बंदेज दुपट्टा भी यूज़ कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू टिप नंबर फोर यूज़ मिनिमम ज्वलरी इस पॉइंट को मैं थोड़ा और एलैबरेट करके आपको बता देती हूँ कि अगर आपने earrings पहने हैं तो आपको नेक पीस अवॉइड करना है आप स्किप कर सकती हैं अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ पहनेंगी तो वो थोड़ा सा मैसी लुक हो जाएगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो अगर आप सिर्फ ईयरिंग्स पहनती हैं या फिर आप सिर्फ चोकर सेट पहनती हैं तो वो आप लुक बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन आएगा और आप बहुत ज्यादा उसमें गोर्जिस भी लगेंगी तो आपको मिनिमम ज्वेलरी यूज करनी है यानी अगर आपने नेकलेस पहना है तो आप हमेशा इयर स्किप करिए और इयर रिंग्स है तो आप हमेशा नेक पीस स्किप कर सकती हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ज्वेलरी कैरी करें तो इस पॉइंट को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाउ कमिंग टू टिप नंबर थर्ड आपको अपने कपड़ों की फ़िटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है मैंने कुछ लड़कियों को देखा है कि कपड़े तो बहुत महंगे ले लेती हैं बट उनका उतना अच्छा लुक नहीं आ पाता है क्योंकि उनके कपड़ों की फ़िटिंग अच्छी नहीं होती तो आपको ना बहुत ज़्यादा लूज़ रखना है ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है आपको एक परफेक्ट फिटिंग का कपड़ा ही सिलवाना है या फिर आप मार्केट से रेडीमेड ले रही हैं तो उसको अच्छे से ऑल्टर कराना है एक बात मैं आपको गारंटी के साथ बोल देती हूँ कि अगर आपके कपड़ों की फिटिंग अच्छी नहीं है ना तो आप चाहे जितना मर्जी अच्छा और महंगा कपड़ा ले लें वो अच्छा नहीं लगेगा और अगर फिटिंग बहुत अच्छी है तो आपका प्लेन सूट भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा बहुत रॉयल लुक देगा नाउ टिप नंबर टू प्रिंट्स विथ प्लेन ये टिप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप जब भी प्लेन सूट पहने तो आपको कैरी करना है प्रिंटेड दुपट्टा यस yes, ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है आपको बहुत ज़्यादा गॉर्जस लुक देता है और अगर आपने कोई प्रिंटेड सूट पहना है तो आपको प्लेन दुपट्टा कैरी करना है तो अगर आप इस टिप को फॉलो करती हैं तो आपको डेफ़िनेटली आपकी ड्रेसिंग सेंस में इम्प्रूवमेंट दिखेगा आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगी बहुत ज़्यादा गॉजि लगेंगी तो आप इस तरीके से प्रिंट्स एंड प्लेन को मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं नाउ कमिंग टू टिप नंबर वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो इस टिप के अकॉर्डिंग आपको कलर कम्बाइन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ देख सकते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि आप किस कलर के साथ किस कलर को कम्बाइन कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के साथ बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं मिक्स करना है आपको ब्राइट कलर के साथ हमेशा मैच करना है न्यूट्रल कलर्स तो न्यूट्रल कलर्स वो होते हैं जैसे हो गया ब्लैक हो गया वाइट हो गया और बेज हो गया तो ये हैं आपके न्यूट्रल कलर्स और आपको हमेशा ब्राइट कलर के साथ न्यूट्रल कलर्स को ही पेयर करना है तो आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आएगा आपका आपका लुक और ज़्यादा इन्हांस होकर दिखेगा तो ये थे मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स इस टिप को अगर आप ध्यान में रखती हैं तो आपका ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो गर्स ये थे मेरे बेस्ट टिप्स अगर आप इन टिप्स को फॉलो करती हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ टिल देन बाय टेक केयर और अच्छे से इन टिप्स को ध्यान में रखिएगा